हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर YouTube चैनल रिएक्शन ज़ोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि नेपाल की सबसे सुपरहिट फ्रेंचाइजी छक्का पंजा 4 का ट्रेलर आ चुका है। तो आज हम देखेंगे छक्का पंजा 4 का ट्रेलर और जानेंगे कि कब हो रही है मूवी रिलीज और ऐसा क्या खास बात है इस ट्रेलर के अंदर जो कि सिर्फ एक दिन के अंदर मिलियन के भी ऊपर इसके व्यूज चले गए हैं। ये जो वीडियो है ये OSR डिजिटल यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो हम उसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से वीडियो को देखेंगे और रिएक्ट करेंगे, रिव्यू देंगे अपना और फिर वीडियो के एंड में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस पूरे ट्रेलर के बारे में। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इस ट्रेलर पे जो स्टार कास्ट है वो है दीपक, दीपा, केदार, बुद्धि, बनीशा, राज और निर्मल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज्यादा देर नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। ओके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 4 OSR डिजिटल इंटरटेनिंग द नेशन। आदरणीय दाजू भाई तथा दीदी बहनी, दाजू भाई दीदी बहनी भनेको त खाली उनीहरुको बच्चा बच्ची मात्र आया छ। यो माइक कसले ल्याए यहाँ? यदि मुन्छेले भाषण त म कानमै भनिदिन्छु। के भोट हाल्नु खोइ? खाली सुडोहरूले मात्रै रुल गर्छ। यस्तो देशमा बसेर के गर्नु? न रोजगार छ न शान्ति सुरक्षा। सरी राजा, छेक्न सकिन। केका छेक्ने? घर घर छेक्ने। चुनाव मुखमा आइया छ, क्या न लफडा गर्छौ? अब तिमीसँग दुईटा उपाय छ, हेर, कि खुरक्क विदेश जाऊ कि मलाई छोड। मलाई यो दोस्रो अप्सन पो मन पर्यो त हौ। यिनीहरूलाई थोपो थिलाङ्गै। मास्टर हुँ, डस्टर बोक्छु, पार्टीको झोला होइन। क्षमतावाला युवाहरू सबै खाडीमा, बुढाहरू चाहिँ झन्डावाला गाडीमा। उठेर मुत्नीको छोरो घुमेर मुत्नी हुन्छ भन्थ्यो हो रहेछ। मैले तपाईँलाई गुन्डागर्दी बिर्सिनुपर्छ भनेको थिएँ त। बिर्सिसकेको थियो मैले, त्यसैले सम्झाइदिऊ। आज त भ्याउँदैन त, आज यहाँ 3:30 बजे चक्रपातीमा कुट्नु पर्ने छ, त्यसपछि 4:15 फेरि कालाबजारीलाई कुट्नु पर्ने छ। सामाजिक सञ्जालमै ठिक पार्नु पर्छ। सधैँ ठुलो मान्छे भन्न सिकाइसियो, यो ठुलो मान्छे भन्ने चक्करमा राम्रो मान्छे भन्न भुलेछु। छक्का पंजा 4। तो दोस्तों, ज्यादा कि हम लोगों ने पूरा ट्रेलर देखा छक्का पंजा 4 का, तो इस ट्रेलर के अंदर मुझे इतना पता चल गया है कि ये जो मूवी है पूरी होने वाली है पॉलिटिक्स के ऊपर। जी हाँ, जो पार्टी, नेता, इन सभी के ऊपर मूवी होने वाली है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन देश को सुरक्षित करेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में जब वीडियो चालू होता है उसमें कुछ लड़के होते हैं, कहते हैं कि भाई क्या रहे, मतलब क्या करेंगे इस देश में रह के जहाँ पे ना तो शांति है ना ही सुरक्षा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह हर एक कंट्री में यही एक मुद्दा चल रहा है कि भाई जब तक देश सुरक्षित नहीं होगा तो वहाँ के लोग कैसे सुरक्षित हो रहे। पाकिस्तान में इतनी महामारी हो रही है, नेपाल में भी धीरे धीरे क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अभी जैसा कि चल रहा है नेपाल में रबी रमी छावे को लेकर के उनके ऊपर के सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इतना बढ़िया नेता जिसको लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद
देश को संभाल नहीं पा रहे हैं लोग। तो पता नहीं क्या होगा, उसी बेसिस पे मुझे लगता है मूवी बनाई गई है, नेपाल के पॉलिटिक्स को लेकर के और वहाँ के नेताओं को लेकर के। अब पता चलेगा हमें इस मूवी में कि एंड में क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी जीतती है, कौन हारे। धीरे धीरे कुछ कुछ कॉमेडी सीन्स भी हैं, कुछ सस्पेंस भी है, इसके अंदर एक्शन भी है, वो नेता थप्पड़ी थप्पड़ लगाते रहते हैं। तो देखते हैं वीडियो में क्या पता चलेगा हमें, मूवी में पता चलेगा पूरी की पूरी कहानी कि क्या है बेसिकली पूरी मूवी का जो स्टोरी है वो। मतलब ट्रेलर में तो आधा अधूरा ही दिखाते हैं, मेन मेन चीज़ें एकदम सस्पेंस में भर देते हैं जिससे कि लोगों को इंटरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा एकदम उत्साहित हो जाए मूवी के लिए, और मूवी आने के बाद पता चलता है कि असलियत क्या थी, मूवी के अंदर क्या था। ट्रेलर में तो बहुत कुछ दिखा देते हैं, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, गंदे से गंदा, लेकिन जो रियल स्टोरी है वो हमें पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलती है। तो चलिए देखते हैं इस मूवी को थिएटर में कब आने वाली है, इसके ऊपर बुद्धि को बुद्धि आई सक्यो सुंदै न अब तैले आफ्नो बच्चाको साथी राजालाई बिर्स्यो गणतन्त्रमा यत्र राजा। मूवी आने वाली है 3 मार्च को रिलीज होने वाली है। पूरा वीडियो देखा ही नहीं था, वीडियो के एंड में थोड़ा से कुछ डिस्कशन था इन दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा देखा, पूरा ट्रेलर नहीं देखा था, अभी देखा पूरा ट्रेलर। तो 3 मार्च को मूवी रिलीज होने वाली है, 3 मार्च को जाइए थिएटर में देखिए, जिससे पता चलेगा क्या तबाही मचने वाली है इस मूवी के अंदर, ट्रेलर के अंदर और थिएटर के अंदर। ओके दोस्तों, बाकी आपको कैसा लगता है ये ट्रेलर मूवी, आपको क्या लगता है हिट होगी कि नहीं होगी, कमेंट से जरूर बताइए। और लास्ट में बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार जो ही बरकरार रखिए और मुझे सपोर्ट कर दीजिए, मैं देते और ढेर सारे वीडियो लेकर और आपके पास शेयर करूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, सही धमाकेदार, तब तक के लिए बाय बाय।